तो क्या हाल चाल है भाई आप लोगों के। उम्मीद है मस्त होगे और बहुत बेहतरीन तरीके से अब हल्की हल्की टेंशन लेने लगे होगे, क्योंकि हाल ही में आपकी समर वैकेशंस खराब हुई हैं। मैंने सही बोला, समर वैकेशंस खराब हुई हैं। मैं आपको सच्ची बात बताता हूँ, आज जब भी समर वैकेशन स्टार्ट होती है ना, तो हर बच्चा ये सोचता है कि हम समर वैकेशंस में ये करेंगे ये करेंगे। कुछ बच्चे करते भी हैं, लेकिन 80% बच्चे ऐसे होते हैं जो समर वैकेशंस का मात्र 20% फायदा उठा पाते हैं। यहां पे भी 80-20 प्रिंसिपल लगता है, जो कि हर जगह लगता है। तो 80% बच्चे समर वैकेशंस को वेस्ट कर देते हैं, खराब कर देते हैं। और जब स्कूल खुलने लगते हैं ना, हर जगह लगभग लगभग स्कूल खुल चुके होंगे या फिर स्कूल खुलने वाले होंगे, सारे बच्चे अब धीरे धीरे टेंशन लेने लगे होंगे। भाई समर वैकेशन इतना अच्छा मौका था, हमने वेस्ट कर दिया। हम इसमें इतना कुछ कर सकते थे, इतना सिलेबस कवर कर सकते थे, पढ़ाई कर सकते थे। जब आपकी समर वैकेशन स्टार्ट हो रही थी, तब भी मैंने आकर के वीडियो बनाई थी कि आप समर वैकेशंस को प्रॉपर तरीके से कैसे यूटिलाइज कर सकते हो। अब इतने सारे कमेंट और मेरे को इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर रहे हैं बच्चे कि भैया समर वैकेशंस में तो हम कुछ कर ही नहीं पाए। अगर आप भी ऐसे ही बच्चे हो जिनकी समर वैकेशंस पूरे तरीके से लगभग लगभग वेस्ट हो गई हैं, अब समझ नहीं आ रहा भैया, अब प्रेशर बढ़ रहा है, सामने यूनिट टेस्ट है, अब क्या करें भैया, यूनिट टेस्ट आने वाले हैं, स्कोर हो पाएगा, अच्छे मार्क्स नहीं हो पाएंगे, कैसे करें। तो बिल्कुल भाई, मुझे ये बात पहले से पता थी कि जब भी, ये हर साल की कहानी है बच्चों के साथ, जब भी समर वैकेशंस खत्म होती हैं बच्चे तुरंत अलर्ट हो जाते हैं, ये क्या हो गया। सामने यूनिट टेस्ट होते हैं और तब तक आप कंफर्ट जोन में लोट मार रहे होते हैं या इंस्टाग्राम की रील स्क्रॉल कर रहे होते हैं समर वैकेशंस के अंदर। कोई बात नहीं, हमेशा लगभग सभी बच्चों के साथ ऐसा होता है और हम हर साल ये चीज नोटिस करते हैं, हर साल ये चीज देखते हैं। बहुत कम ही बच्चे ऐसे होते हैं जो समर वैकेशंस का प्रॉपर यूज कर पाते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, क्या अभी सब कुछ खत्म हो गया? बिल्कुल नहीं भाई, बिल्कुल नहीं। एक बार अब से अगर आप कमिटमेंट लेकर के आगे बढ़ोगे तो बहुत कुछ पॉसिबल है। लेकिन किंतु परंतु मैं बहुत अच्छे से एक चीज जानता हूं कि अभी अभी आप लगभग 25 से 30 दिन बिस्तर पर लोट मार के आए हो, तो मैं आ गई है मौज लेने की आदत, भैया हमें तो फोन चला रहे थे, बढ़िया मजा आ रहा था। लेकिन अब उससे एक साथ कैसे टर्न लोगे पढ़ाई की तरफ, ये थोड़ा सा तुम्हारे लिए अब मुश्किल होगा। इसीलिए ऐसी ही परिस्थिति में मैं हमेशा बच्चों के साथ खड़ा होता हूं। अब तक जो भी हुआ, अब आपके लिए मैं क्या करने वाला हूं, बात को समझना। मुझे पता है इस समय आपको मेरी आवश्यकता है, और जिस समय आपको आवश्यकता होगी उस समय मैं बिल्कुल आपके लिए तत्पर तैयार रहूंगा। क्योंकि आप इतने दिनों से कंफर्ट जोन में थे, अब आपको पढ़ाई की थोड़ी थोड़ी आदत कम हो गई थी, अब आपके स्कूल खुल गए, आपको टेंशन भी है, यूनिट भैया टेस्ट भी आ रहे हैं, हमारे जो पीरियोडिक टेस्ट होते हैं वो भी आ रहे हैं, तो हम कैसे करें। मैं आपको अच्छे से बताता हूं क्या करना है, कैसे करना है। आने वाले ये जो तुमने कंफर्ट जोन में दिन बिताए, इनको कैसे प्रॉपर आप सेट करोगे ताकि आप प्रॉपर फ्लो में आ सको पढ़ाई के। तो ये जो आने वाले 15 दिन होंगे ना, मैं आपको 25 जुलाई तक के लिए समय देता हूं, और 25 जुलाई तक मैं प्रॉपर आपके साथ रहूंगा, ताकि आप जो वो आलसी बन गए हो ना, आलसी से आपको एक्टिव नहीं प्रोएक्टिव बना दूं, हीरो नहीं सुपर हीरो बना दूंगा 15 दिन के अंदर। फिर आप फ्लो में आ जाओगे, फिर 15 दिन बाद कोई नई स्ट्रेटेजी सोचेंगे और आपको मैं बताऊंगा उसके बाद क्या करना है। तो 25 जुलाई तक मैं 11 जुलाई से, मतलब थर्सडे से, और 25 जुलाई उस दिन भी शायद थर्सडे ही है, उस दिन तक आपके साथ रहूंगा। कैसे? ताकि आपका फ्लो बन सके। मैं ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे वीक में 3 दिन लाइव आकर के 9 बजे आपके साथ मैथमेटिक्स आपके दिल में उतारने के लिए आऊंगा, और वो चैप्टर्स हम उठा रहे होंगे जो चैप्टर आपके यूनिट टेस्ट में आने वाले हैं। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, मैं आपको सही बताऊं तो लाइव आने के लिए हमेशा इतना समय नहीं होता है। आपको अच्छे से पता होगा, मैं आपके सीनियर्स को, जो गवर्नमेंट जॉब वाले बच्चे हैं, जो गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स हैं, मैं उनको पढ़ाने में काफी बिजी रहता हूं। लेकिन मैंने हमेशा से कहा है कि आपका ना साथ कभी छोड़ा था ना कभी छोड़ूंगा। 25 जुलाई तक आपके साथ मैथमेटिक्स की क्लास लेकर के मैं आ रहा हूंगा, और आपको उस फ्लो में लेकर के आऊंगा जिस फ्लो से आप आग लगाने की तैयारी कर सकोगे अच्छे तरीके से, डेली नहीं, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे, याद रखना। और ये जितना भी आपने वेस्ट किया है ना समर वैकेशंस को, इसको हम कवर अप कर रहे होंगे। मात्र 6 क्लास में लगाने वाला हूं, 11 से लेकर 25 तारीख तक 6 ही क्लास हो पाएंगी, और 6 क्लास में आपको प्रोएक्टिव बना दूंगा, फ्लो में आ जाओगे आप सारे के सारे।
तो मिलते हैं ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे रात को 9 बजे मैथमेटिक्स में लेके आ रहा हूँ। और साथ में एक सरप्राइज और भी है, सब्जेक्ट तो और भी बच रहे हैं भैया, साइंस भी बच रहा है, एसएसटी बच रहा है, इंग्लिश बच रहा है, इनका क्या करें, स्वयं है ना आपका भाई, अभी करते हैं कुछ ना कुछ उनके लिए। तब तक के लिए आपसे मुलाकात करेंगे फिर अगेन TTS ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे रात 9 बजे। मैक्सिमम बच्चे लाइव आना, और लाइव अगर आप आओगे जो हमारा इंट्रैक्शन होगा आपको बहुत बेहतरीन तरीके से पुशअप मिलेगा ताकि आप आगे आप फ्लो में आ सको जल्दी से जल्दी। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, नमस्कार, पढ़ाई करो, यूट्यूब बंद करो और लगो धीरे धीरे काम पे।